हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेट नाइट एनर्जी अपडेट लेके आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा एंड बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग करना कंप्लीटली बंद कर दिया हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके नहीं बोलूंगा पैसा भेजने के लिए, ये सब स्कैमर्स लोग करते हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये क्रश हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, एक्स हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, जो भी है वो क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे बात आ गया है क्वीन ऑफ कप्स के। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि कोई आपके नर्चरिंग स्वभाव के बारे में सोच रहे, बिहेवियर के बारे में सोच रहे। वो जानते हैं कि आप कितना दयालु हो, वो जानते हैं आप कितना काइंड हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ बहुत कंपैशनेट एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डेट कर रहे हो जो इस टाइम पे शायद आपको कुछ एलिगेशंस दिए हैं, फिर आपके साथ बहुत गुस्से में आए हैं। आई थिंक वो अभी बहुत ज्यादा दुखी फील हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो आपके साथ ऐसे बात करे, बट वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे किया। आई थिंक वो बहुत शर्मिंदा है उसके रश बिहेवियर की वजह से, या फिर कोई बात ये कंप्लीट नहीं कर पाए और इसीलिए वो उस चीज के बारे में सोच रहे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इनकम्प्लीट बात। कोई हो सकता है कि वो बहुत कुछ कहना चाहता था बट नहीं कह पाए। कुछ सिचुएशंस को ये बताना चाहते बट पूरे सिचुएशंस को ये बता नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट्स को छुपा रहे, और कोई किसी को पता चल रहा है कि आप अनकंडीशनली उसको प्यार किए हो, आप अनकंडीशनली उसके लिए सोचे हो, बट कहीं ना कहीं उसका अहमियत कोई आपको पूरे अच्छे तरीके से नहीं दे पाए। तो किसी को लगता है कि आप बहुत लॉयल हो बट वो उतना ज्यादा लॉयल नहीं है। किसी को लगता है कि आप बहुत अच्छे हो बट आपकी तरह और कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई आपको बहुत अपना मानते हैं बट वो फिर भी आपके करीब नहीं है, तो इसीलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसी एनर्जी, या फिर हो सकता है कि कोई जेमिनाई एनर्जी लियो एनर्जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही नर्चरिंग किस्म की एनर्जी है। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहा है इस टाइम पे। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है द सिक्स ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख सकता हूं एक विक्ट्री, जॉय, हैप्पीनेस, यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंडशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप का बात है। कोई पर्सन बहुत प्राउड फील करते हैं जब भी ये आपके बारे में सोच रहे। इसको लगता है कि आप जैसे इसके लाइफ में आए तो सारे चीजें बदल गया। कहीं ना कहीं कोई प्रपोज करना चाहते हैं, कोई नए तरीके से आपके करीब आना चाहते हैं, कोई आपको कुछ कहना चाहते हैं। ये जो सिक्स ऑफ वांड्स के कार्ड्स आप देख रहे हो, इसका मतलब है म्यूचुअल हैप्पीनेस। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि कोई पर्सन अपने ईगो को समझ रहे हैं कि ईगो के वजह से शायद आप दोनों एक साथ नहीं हो पाए, या फिर ये बहुत ज्यादा गुस्से में आके कुछ बोले थे, या फिर ऐसा हो सकता है इसके फैमिली मेंबर बहुत अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किए। कहीं ना कहीं कोई ड्रामा क्रिएट किए थे, अभी इसको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कुछ किए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओवर रिएक्ट किए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और आप मल्टीटास्क करना जानते हो, बट फिर भी जब बात आते हैं डिसीशंस लेने के तो आप उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हो। तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को ये बहुत पसंद करते हैं, ऊपर से ये आपको ट्रस्टवर्दी भी मान रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ हो, या फिर आप एक एरीज लियो सेजिटेरियस हो, तो आपके लवर इस टाइम पे, या फिर आप जिस पर्सन के बारे में सोच के इस वीडियो को देख रहे हो, वो बहुत प्राउड फील करे। आई थिंक यहाँ पे शादी का बात चल रहा है, तो अगर रिसेंटली आपको किसी के साथ शादी फिक्स हुआ है तो उसका एनर्जी ये हो सकता है। या फिर अगर आप एक ऐसे सीनियर पर्सन के बारे में सोच रहे हो सकते हैं मैरिड है, सेपरेटेड है, आई थिंक ये आपके सामने एक सेकेंड चांस के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई पर्सन फिर से एक दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग के बारे में ये सोच रहे हैं, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ काइंड ऑफ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं सेक्सुअल एनर्जी को फील कर सकता हूँ, ये आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, ये आपको किस करना चाहते हैं। इस टाइम पे ये बहुत करीब आपको साथ होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हो सकता है आप लोग इस सीक्रेटिव रिलेशनशिप में हो। कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से आपको एक्साइट करते हैं, या फिर इस जिस तरीके से आपको समझते हैं, वो वैसे फीलिंग्स आपको किसी के सामने से नहीं आता है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का
यू नो जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आप बहुत रोमांटिक फील करते हो, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये एक कंप्लीट इन्फैटुएशन हो सकता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट यहाँ पे फैंटेसी है, दोनों ही दोनों को फैंटेसाइज करते हो, डिजायर्स है, दोनों पाना चाहते हो एक दूसरे को, फिजिकल नीड है दोनों के, कहीं ना कहीं वो इस टाइम पे बहुत इंटेंसली आपके बारे में सोच रहे हैं, या यहाँ पे बात आ रही है टचिंग का, फीलिंग का, हगिंग का, किसिंग का और कुछ मेमोरीज का. तो आई थिंक इस पर्सन आपके साथ कुछ यू नो लव इमोजी शेयर किए हैं या फिर यू नो मैं देख सकता हूँ बहुत इंटेंस बातें की है, तो उसी बातों को ये पढ़ रहे हैं. आई थिंक इस पर्सन को आपने बहुत अच्छे तरीके से यू नो एक 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 चार्मिंग फ्लो आपके ग्लो का एक एक चार्मिंग रिफ्लेक्शंस इसके मन में है. यू नो ये बार बार एक ही चीज बोल रहे कि आप इतना सुंदर कैसे हो, यू नो आपकी स्किन या फिर आपके हेयर, ये सब चीज के बारे में इसका रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं. और ये खास करके ये सब चीज को जब भी आपके फोटोज को देख रहे तो ये बहुत प्राउड फील कर रहे कि आप इतना सुंदर कैसे हो सकते हो, कहीं ना कहीं मैं ये एनर्जी को फील कर सकता हूँ. लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर को, यू नो इस टाइम पे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. यू नो यहाँ पे आते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई पर्सन वेट करे सही टाइम का. यू नो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई सीक्रेट क्रश है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है बट कोई फ्रेंडशिप थोड़ा सा रिलेशनशिप के ओर टर्न ले रहे हैं. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन फाइनली खुद को प्रिपेयर करे कि वो फाइनली कुछ बोलेंगे. बहुत ज्यादा वेटिंग गेम चला और ये खुद को वेट नहीं कर सकते हैं. यू नो मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन फाइनली रेडी हो रहे बात करने के लिए. मैं देख सकता हूँ कि यू नो कोई पर्सन देख रहे थे कौन नेक्स्ट स्टेप लेंगे, कौन नेक्स्ट स्टेप लेंगे, तो ये फाइनली नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो रहे हैं. सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है कि अगर आप कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ हो तो ये बहुत दिन से वेट कर रहे थे, ना ही कोई इसके तरफ से कोई मूवमेंट आ रहा था, तो फाइनली ये मूवमेंट करेंगे. और मैं एक चीज में देख रहा हूँ कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे एक ऐसा वक्त आ रहा है जहां पे आप दोनों ही फील कर रहे हो कि कहाँ से आप स्टार्ट किए थे और आज आप कहाँ पे हो. यू नो फ्लरिश कर रहे रिलेशनशिप, इसीलिए इतना सुंदर कार्ड आ रहा है. कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ये एक इसको एक विश्वास आ रहा है कि हाँ ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं. इसको यू नो एक बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि फाइनली इसको कोई पर्सन मिला है. यू नो कोई पर्सन का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितना सुंदर हो और वो कितना लकी है. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप में वो बहुत खुश है और वो इस खुशी को यू नो फील कर पा रहे हैं इस टाइम पे कि वो बहुत हैप्पी है आपके साथ और ये इस रिलेशनशिप का फ्यूचर वो देखना चाहते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर को स्पेंड करना चाहते हैं. शादी का बात है, लव इंटीमेसी है, सेक्सुअल केमिस्ट्री है, पैशन है. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो या फिर चाइल्डहुड में आप दोनों का एक स्ट्रांग कनेक्शन था, बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया, उसके बाद 10-12 साल के बाद आप मीट किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है ये ऐसा एक्स है जिसको आप अभी भी भूल नहीं पाए हो. एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फ्रेंडशिप आप बोल सकते हो, पवित्र फ्रेंडशिप आप बोल सकते हो है, बट वो अभी भी एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि हाँ अभी आप दोनों मिलेंगे, फ्यूचर में आप दोनों मिलेंगे. किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कोई वेट करे, हो सकता है आप दोनों बहुत दिन हो गए कि आप अलग हो गए हो, बात नहीं हो रहा है, बट फिर भी एक उम्मीद उसके दिल में अभी भी है और वो इस उम्मीद को लेके बैठे हैं. लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स कौन सा सीक्रेट एनर्जी का इंडिकेशंस दे रहे हैं. सो कौन सा सीक्रेट एनर्जी मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में अभी है, यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए. पहला सीक्रेट एनर्जी है सेवन ऑफ वांड्स. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन बार बार दूर धकेल दे रहे, नो आपको पीछे धकेल दे रहे, कोई पर्सन आपको आने ही नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे, कहीं ना कहीं वो बोल रहे कि मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से दूर हो जाओ. यू नो यहाँ पे टेस्टिंग गेम चल रहा है कि क्या आप ये सब के बावजूद भी क्या आप स्टिक रहेंगे, क्या आप परीक्षा में सफल होंगे. तो कोई किसी का परीक्षा ले रहे, धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं. यहां पे आते हैं थ्री ऑफ वांड्स. यू नो मैं देख सकता हूं कि अभी भी यू नो एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर. तो हो सकता है आप दोनों ही यू नो आप दोनों को पता है कि आप दोनों प्यार करते हो, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए आप दोनों का. तो अभी भी आप दोनों सेटल्ड नहीं हो,
यू नो आपको चाहिए एक प्रॉपर प्रूफ, और जब तक ना सामने वाले पर्सन वो प्रॉपर प्रूफ दे रहे या फिर आप दोनों को रियलाइजेशन हो रहा है तब तक आप सेटल नहीं होना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप बहुत जल्दी कंक्लूशंस पे नहीं आना चाहते हो, आपको थोड़ा और कुछ देखना है, थोड़ा और कुछ दिन वेट करनी है, या फिर हो सकता है सामने वाले पर्सन के, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन बहुत आउट गोइंग है, इसके सोशल नेटवर्क में बहुत पॉपुलैरिटी है, हो सकता है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है, हो सकता है कि ये बहुत जल्दी लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, या फिर इसका बहुत लार्ज सोशल ग्रुप है और आप इस चीज़ से थोड़ा सा इनसिक्योर हो, या फिर ये पर्सन अभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो थोड़ा सा अंदर से एक फीलिंग आते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप बाकी में फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं या फिर ये कंप्लीट सिचुएशनशिप है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि अभी भी आप दोनों के बीच में एक सिचुएशनशिप ही है, और इस सिचुएशनशिप कब तक रिलेशनशिप पे बदल जाएंगे इसके आंसर्स अभी तक आपके पास नहीं है और आप ढूंढ रहे हो। लेट्स सी और क्या सीक्रेट्स है एनर्जी के अंदर। और यहां पे आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहां पे मैं देख सकता हूं कि आप जो प्यार आपको चाहिए या फिर जो कमिटमेंट आपको चाहिए, जिस तरीके से पैशनेटली आप यू नो आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, कोई आपको ख्याल रखे, कोई आपको थोड़ा सा समय दे, कोई आपके नीड्स के बारे में पूछे, कोई आपको पूछे कि आप कैसे फील करते हो, थोड़ा सा स्पेशल अफेक्शन, ये आपको नहीं मिल रहा है। तो बार बार आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ जा रहे हो, आपको समझने के लिए कोई नहीं है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे पर्सन क्या चाहते हैं, दूसरे पर्सन क्या पसंद करते हैं, ये आप देखते हो, बट आप क्या चाहते हो, आप क्या पसंद करते हो, आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, ये चीज़ आपको मिसिंग लग रहा है। तो अभी भी जो वैक्यूम जगह है वो वैक्यूम जगह इसीलिए है क्योंकि आप जिस तरीके से पैशनेटली इस रिलेशनशिप के ऊपर सोचते हो, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, जो सपना आप हो, सामने वाले पर्सन वो सेम इमेज कैरी नहीं करता है। तो बार बार आप जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ उस सामने वाले पर्सन के सामने जाते हो वो कंप्लीटली जीरो हो जाते हैं और आप वापस आ जाते हो विद अ वेरी लो एनर्जी। सो क्या हो जा रहा है कि आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को, ऊर्जा को बढ़ा रहे हो और सामने वाले पर्सन इस ऊर्जा को एकदम डाउन पे लेके आ रहे हैं। तो आपको बार बार बहुत ज्यादा यू नो ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से आप डाउन हो गए, ये पर्सन बहुत बदतमीजी से बात किया, ये पर्सन आपके एक्साइटमेंट का ही धज्जिया उड़ा दिया। बट ऐसे बिल्कुल नहीं है, आप दोनों ही दोनों को पसंद करते हो, बहुत पैशनेट कनेक्शन है, बट बार बार क्या हो रहा है कि आप जो एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो वो एक्सपेक्टेशन जीरो पे आके जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप दोनों शायद बहुत ऑपोजिट हो, या फिर जो भी चीज बोल रहे हो तो वो झगड़ा का नाम ले रहे हैं, या फिर यू नो एक आर्ग्यूमेंट पे बदल जा रहे कम्युनिकेशन, ये सब मैं देख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप जो चीज को डिमांड कर रहे हो वो है केयर, वो है प्यार, वो है थोड़ा सा अफेक्शन, और मिल रहा है सिर्फ प्रैक्टिकल बातें, और इसमें आपका दिल नहीं भर रहा है। यू नो आप चाहते हो थोड़ा सा मोर इंटेंस प्यार, थोड़ा सा सच्चापन, थोड़ा सा बचपना, थोड़ा सा हंसी मजाक, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल चीज आप अभी नहीं पसंद कर रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में क्या देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप है कि कोई पर्सन डायरेक्टली आपके सामने आके प्रपोज कर सकते हैं, कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई आपको दिल को जीतना चाहते हैं, यू नो किसी के लिए आप एक कंपटीशन हो तो दोनों के बीच में एक रेस चल रहा है, ये दोनों फ्रेंड है, या फिर ये पर्सन जैसे ही अपने दोस्तों के साथ आपको इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये थोड़ा सा जेलस हो रहा है क्योंकि इनके कुछ दोस्त है जो अच्छे कंप्लीमेंट करे और ये नहीं चाहते है कि इनके दोस्त आपके बारे में अच्छा कंप्लीमेंट करे। तो कोई पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं और कोई पर्सन दिखाना चाहते हैं कि हाँ यू नो आप बहुत खूबसूरत हो या फिर आप बहुत चार्मिंग हो, तो आपके यू नो उनके लाइफ में होना, आपको उनके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो कोई आपको हासिल करना चाहते हैं, कोई आपका दिल जीतना चाहते हैं, भले वो ये चीज करने के लिए वो कितना भी कुछ कर सकते हैं, यू नो कोई सोच रहे कि एक जायंट अप्रोच लेके वो आपके सामने आना चाहता है या फिर आपको कहीं पर लेके जाना चाहते हैं, आपके कुछ स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, बट ये जो कर रहे हैं ना ये पैशन आउट ऑफ पैशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सेक्सुअल एनर्जी, यू नो कोई ऐसा हो सकता है कि वन नाइट स्टैंड, या फिर हो सकता है कि आपके साथ सिर्फ एक प्लेजरेबल मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए ये सब का
यू नो चल रहा है. सो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका दिल जीतना. तो हो सकता है आपके लिए एक लैविश डेट ये ऑफर कर सकते हैं या फिर आपको सरप्राइज दे सकते हैं. बट यकीन मानिए ये आउट ऑफ पैशन करे. ये अगर किंग ऑफ कप्स होता तो मैं बोल देता नहीं ये पर्सन फ्रॉम देयर हार्ट करे. नो, इसके अंदर अभी भी वो सेक्सुअल एनर्जी है. ये अभी भी आपका दिल जीतना चाहता है, ये अभी भी आपके साथ मोमेंट शेयर करना चाहता है. बट इसके बाद क्या है इसको अभी तक नहीं पता है. तो यू नो आउट ऑफ इमोशंस नहीं हो रहा है, ये आउट ऑफ पैशंस हो रहे कि ये कुछ करेंगे आपके साथ सादगी पाने के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ शोर्स का कार्ड आया है. तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि क्लियर कट कम्युनिकेट करना चाहते हैं. तो ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे थे बिकॉज इसको ईगो इशू हो रहा था या फिर ये आपको ब्लॉक किए थे या फिर आपने इसको ब्लॉक किए थे. तो कोई पर्सन क्लियर कट बात करना चाहते हैं और जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं. बट मेरे ख्याल से मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन यू नो सॉरी बोलेंगे इसके लिए रेडी हो रहे हैं या फिर आपने किसी पर्सन को कट ऑफ करोगे इसके लिए शायद आप किसी पर्सन को अलाउ करोगे. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दोनों के बीच में काफी हद तक कन्फ्यूजन है और ये पर्सन जब भी आपके सामने कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं और आप उसको बोल रहे हो बस हो गया अभी और आपका ये सब बात मैं नहीं झेल सकता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी मूव ऑन किया हूं. आई थिंक एस ऑफ शोर्ड्स मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं मैंने आपके लिए इतना कुछ किया बट आपने उस टाइम पे नहीं किया अभी आप मत आइए. कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस मैं देख सकता हूं. एंड द लास्ट कार्ड फोर ऑफ वांड्स. तो जो लोग बेसिकली रियूनियन के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है कि यस आप लोगों के जो पास पर्सन हैं जो आपके साथ थोड़ा सा अलग हो गए थे स्पेशली एक महीना हो गया या फिर यू नो चार महीना हो गया यू नो मैं देख सकता हूँ ये पर्सन वापस आ रहे हैं और बहुत क्लियर कट वे में वापस आ रहे हैं और आप फॉरगिव करके इस पर्सन के साथ एकदम पैचअप कर रहे हो. आई थिंक आप लोग पैचअप कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन भी आ रहे हैं पैचअप करने के लिए अभी इस टाइम पे. यूनिवर्स से मैं पूछूंगा यूनिवर्स क्या गाइडेंस आप दोनों को ये देना चाहते हैं. यूनिवर्स इस टाइम पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. फर्स्ट गाइडेंस यूनिवर्स आपको बोला है एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फ्यूचरिस्टिक स्टेप है. शादी तक बात जा सकते हैं. आप सही पथ पे हो तो अपने दिल को फॉलो करो. मेटेरियलिस्टिकली सोचो. सिक्योर कनेक्शंस है ये कनेक्शन सिक्योर है इसके लिए कोई दो राय नहीं है. सेकेंड इज सिक्स ऑफ कप्स. आप एक सोलमेट के साथ डील कर रहे हो सकता है शादी या फिर प्रेगनेंसी या फिर अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और यू नो आप चाहते हो कि सब सही हो जाए तो ये हो सकता है. एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि आप रिसेंटली किसी पर्सन के साथ मिले हो और यस आपको शायद अभी मैजिकल लग रहा है और ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि यही है आपके सोलमेट. लेट्स सी. And oh my god, it's a 10 of cups. यानी के है wish fulfillment. तो मैं देख सकता हूँ अगर आप repetitive numbers देख रहे हो या फिर शादी को लेके सोच रहे थे या फिर future को लेके सोच रहे थे तो future bride है इस person के साथ आपका शादी destiny में लिखा है. और 10 of cups and 6 of cups मतलब जो भी repetitive numbers देख रहे हो dreams देखे हो या फिर कोई particular phenomena जैसे कि you know जैसे कि कुछ चीज जैसे कि बिल्ली या फिर आउल या फिर कोई पर्टिकुलर साइन कोई पर्टिकुलर कोड कोई पर्टिकुलर नंबर या फिर पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर टैरो रीडिंग बार बार अगर आप देख रहे हो फेदर्स चील यानी कि काइट को अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स है या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड है या फिर आप भगवान को जिस रिलीजन में हो जिसको आप मानते हो वो आपके लिए कोई पर्सन को भेजे है और वो पर्सन आपके साथ बात करे और यही है वो पर्सन. कहीं ना कहीं शायद अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो बट सब ठीक हो जाएगा. ट्रांसफॉर्म आप हो रहे हो बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा कि क्यों आप इस पर्सन के साथ मिले हो. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन. एंड एट द सेम टाइम ऐसे ही प्यार करते रहिए. इस वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो को महसूस कीजिए क्लेम कीजिए. मैं कल लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.